हर हर महादेव, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पे। हम लोग लिपिड का एक सेशन ले चुके हैं, इसके पहले वाला, उसको पढ़ लीजिएगा। तभी अगर लेक्चर पढ़िएगा तो बहुत समझ में आएगा। हम लोग सिंपल लिपिड ले चुके हैं, आज लेंगे हम लोग कंपाउंड लिपिड, या इसी को बोलते हैं कंजुगेटेड लिपिड। हम लोग सिंपल लिपिड ले चुके हैं पिछले लेक्चर में, हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। सिम कंपाउंड लिपिड या कंजुगेटेड लिपिड, जब ये देख, अच्छा कंपाउंड शब्द से ही आ गया, मतलब कि इसमें एक तो ग्लिसरॉल होगा, तीन फैटी एसिड की जगह पे कुछ और जरूर आएगा, फैटी एसिड की जगह पे जो आएगा, जिसके कारण लिपिड का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसी को बोलेंगे कंपाउंड लिपिड। ये दो प्रकार का होता है, पहला है फॉस्फोलिपिड और दूसरा है स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड, अब देखिए फॉस्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड, जो सेल चैप्टर पढ़ रहा होगा, जो हमारा सेल बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है, उसमें सेल मेम्ब्रेन में यहाँ से बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आप अगर सेल मेम्ब्रेन पढ़ना चाह रहे हैं आगे, या पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ चुके हैं तो भी काम आएगा, और पढ़ना चाह रहे हैं तो भी काम आएगा, दोनों में ही काम आएगा। फॉस्फोलिपिड क्या होता है वो देखिएगा। फॉस्फोलिपिड कुछ और नहीं है, हम बनाते हैं पहले ग्लिसरॉल। क्या बनाते हैं? ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल को हमको पता है तीन गो OH होता है, इसके तीन OH में दो जगह तो फैटी एसिड ही जुड़ता है, दो OH के साथ तो फैटी एसिड, लेकिन एक OH के साथ कुछ और जुड़ जाता है, जैसे H3PO4 जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड, और इसके साथ जुड़ेगा कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड। कौन जुड़ेगा? कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अगर ऐसा हुआ तो बनेगा फॉस्फोलिपिड। ऐसा होने से क्या होगा? ये दोनों हो जाएगा नॉन पोलर, ये हो जाएगा पोलर। तो मतलब ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसमें हमको पोलर पार्ट मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट और नॉन पोलर पार्ट मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों मिलेगा। नॉन पोलर पार्ट हाइड्रोफोबिक, पोलर पार्ट हाइड्रोफिलिक, दोनों मिलेगा। इसलिए ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एम्फीफेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एम्फीफेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एम्फीफेटिक कंपाउंड। क्या बोल दिए वो समझिए। सबसे पहले तो कंपाउंड लिपिड दो प्रकार का है, फॉस्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में बस अंतर ये है कि ग्लिसरॉल तो है, उसके तीन OH भी हैं, उसके दो OH पे फैटी एसिड ही हैं, एक OH पे H3PO4 और नाइट्रोजन कंपाउंड आ गया है। ये जो पार्ट है ना, ये बन गया हमारा पोलर और ये बन गया नॉन पोलर। चूंकि दो चेन है फैटी एसिड का, तो ये दो टेल बन जाता है। क्या बन जाता है? दो टेल, और ये बन जाता है हेड। इसमें दोनों पार्ट है पोलर नॉन पोलर, मतलब पोलर मतलब हो गया आपको हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर मतलब हो गया हाइड्रोफोबिक। चूंकि दोनों पार्ट है इसके पास, इसलिए बोलते हैं इसको एम्फीफेटिक कंपाउंड। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लेसिथिन। क्या एग्जाम्पल है? लेसिथिन, या इसी को बोलते हैं फॉस्फोडाइल कोलिन। लेसिथिन कैसा होता है वो देखिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड जो होता है प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए लेसिथिन कैसा होगा, हम बनाते हैं CH2OH, इसके साथ फैटी एसिड जोड़ देते हैं, फिर CH OH, इसके साथ भी फैटी एसिड जुड़ जाता है। अच्छा, FA मतलब फैटी एसिड, अब नीचे है CH2OH, इसके साथ पहले जुड़ेगा H3PO4, अब जो जुड़ेगा ना इसके साथ, ये कंपाउंड जो जुड़ रहा है इसी को बोलते हैं कोलीन। क्या बोलते हैं इसको? कोलीन। ये कंपाउंड को बोलते हैं कोलीन, जिसमें मिलता है नाइट्रोजन। क्या मिलता है हमको? नाइट्रोजन। इसी कोलीन के रहने के कारण इसको बोल रहे हैं लेसिथिन, या इसी को बोलते हैं फॉस्फोटिडाइल कोलिन। कोलिन क्या है? कोलिन कुछ और नहीं है, कोलिन इस नाइट्रोजन कंपाउंड है एक प्रकार का, जो अगर कोलिन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आ जाएगा तो बोल देंगे लेसिथिन। स्फिंगोलिपिड तो सबसे आसान है। स्फिंगोलिपिड में क्या होता है, ये लगभग लेसिथिन के जैसा ही होता है, बस उसके ग्लिसरॉल के जगह पे एमाइनो ग्लिसरॉल स्फिंगोसाइन आता है। एक सेकंड रुकिएगा, इसको देखते हैं, सॉरी, एमाइनो ग्लिसरॉल नहीं, एमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसाइन आता है।
स्फिंगोलिपिड में ग्लिसरॉल की जगह पे, मतलब ये वाला जो भाग है इसकी जगह पे आ जाता है अमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसाइन। स्फिंगोलिपिड का काम क्या है? स्फिंगोलिपिड जो होता है नर्व फाइबर के, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें माइलिन सीट बनाता है। जब आप लोग को नर्वस सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा माइलिन सीट क्या होता है, उसमें स्फिंगोलिपिड आता है काम में। अपने को बस इतना ही देखना है कंपाउंड लिपिड में, जो मेन है वो ये है। हो गया, इसके बाद जो अपने को लिपिड पढ़ना है वो है डिराइव लिपिड, वो भी छोटा है। जो मेन था ना वो अपना सिंपल लिपिड था, जिसमें मूफा पूफा पॉलियंस लाइनोलिक लाइनोलेनिक ओलिक पता नहीं क्या क्या आया था। अगला है डिराइव लिपिड। डिराइव लिपिड का मतलब होता है ऐसा लिपिड जिसको हम सिंपल या कंपाउंड लिपिड से डिराइव किए हों। डिराइव किए हों मतलब उसको वहीं से बनाया गया हो। डिराइव लिपिड होता है दो प्रकार का, पहले को बोलते हैं स्टीरॉइड, नाम सुना सुना लग रहा है, स्टीरॉइड लेते हैं। दूसरे को बोलते हैं क्रोमोलिपिड, क्या बोलते हैं? क्रोमोलिपिड, या इसी को बोल देते हैं टर्पीन, क्या बोल देते हैं? टर्पीन। एक बार और, सबसे पहले तो डिराइव लिपिड का डेफिनेशन क्या बोले, डिराइव लिपिड का आपको डेफिनेशन बोल दिए कि ऐसा लिपिड जो डिराइव किया गया हो किस किस से, क्रोमोल सिंपल लिपिड या कंजुगेटेड लिपिड से। डिराइव लिपिड हो गया दो प्रकार का, स्टीरॉइड और क्रोमोलिपिड। क्रोमोलिपिड को ही क्या बोल देते हैं? टर्पीन। अब ये स्टीरॉइड दो प्रकार का है, अगर इसके में OH फंक्शनल ग्रुप आया तो इसको बोल देंगे स्टीरॉल, और अगर इसमें आ गया कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कौन आ गया? कीटोन, तो इसको बोल देंगे एस्टिरोन। एक बार, एस्टिरॉइड कितने प्रकार का हो गया? दो। किसके आधार पे? फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के आधार पे। अगर OH आया एस्टिरॉल, और अगर कीटोन आया एस्टिरॉन। OH आया तो एस्टिरॉल, कीटोन आया तो एस्टिरॉन, इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं होता है। अब OH में जैसे कौन आता है एग्जाम्पल में? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में OH आता है जो एक प्रकार का डिराइव लिपिड है। अब ज़रा सोच के देखिए, डिराइव लिपिड हो या लिपिड हो, होगा तो फैट इंसॉल्युबल ही, तो कोलेस्ट्रॉल वाटर इंसॉल्युबल, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल वाटर में नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट तो ये इंसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, मतलब ये वाटर के अंदर नहीं घुलेगा। दूसरा पॉइंट कोलेस्ट्रॉल का, दूसरा पॉइंट ये है कि, ध्यान से सुनिएगा, कोलेस्ट्रॉल का दूसरा पॉइंट ये है कि ये मस्त डेकोरेटेड माइक्रोमोलिकूल है, मस्त डेकोरेटेड माइक्रोमोलिकूल। इसको बड़ा प्यार से बनाया जाता है, MOLEC, मस्त डेकोरेटेड माइक्रोमोलिकूल है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल इज द मस्त डेकोरेटेड माइक्रोमोलिकूल। तीसरा पॉइंट, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। सेल मेम्ब्रेन को क्या देता है? स्टेबिलिटी, पढ़ा चुके हैं। हेप्नोइड देता है, प्रोकैरियोट पढ़ा नहीं चुके हैं एक्चुअली में, सेल बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में सेल मेम्ब्रेन पढ़िएगा तो वहाँ बताए हैं कि यूकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए कोलेस्ट्रॉल आता है, और प्रोकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए हेप्नोइड आता है। तो इसके तीन पॉइंट कोलेस्ट्रॉल के, ये सबसे मेन पॉइंट है, मस्ट डेकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल है। मस्ट डेकोरेटेड मतलब सबसे ज़्यादा सजावट ढजावट किया जाता है। एस्टिरॉन, एस्टिरॉन का एग्जाम्पल होता है सेक्स हार्मोन, जो लिंग हार्मोन होता है ना उसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, सेक्स हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब क्या है? ये एक प्रकार का डिराइव लिपिड ही है, मतलब हमारे में जो एस्टिरॉन है ना वो यही है। एस्टिरॉइड, जब हम लोग अपने आप को फंक्शन बेहतर करने के लिए एथलीट एस्टिरॉइड लेते हैं तो वो ये थोड़ी लेंगे कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रॉल थोड़ी लेंगे, वो जो लेते हैं वो एस्टिरॉन होता है, सेक्स हार्मोन। क्या करता है ये? किसी एक सेक्स में एग्रेशन पैदा करता है। जैसे अगर टेस्टोस्टेरोन का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा ना तो उसका फिजिकल इफिशियंसी बढ़ने लग जाएगा। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ज़्यादा कर देंगे ना तो वो पोलाइट होने लग जाएगा, कोई बहुत गुस्सा है ना तो उसको प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सुइया दे दीजिए। क्रोमोलिपिड या टर्पिन सबसे आसान है। ये सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि ये मस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ये सबसे ज़्यादा जटिल होता है, बहुत जटिल होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका एग्जाम्पल, जैसे विटामिन जितने प्रकार के हो गए, विटामिन ADC के, ये सब क्रोमोलिपिड के प्रकार हैं। क्रोमोलिपिड में और टर्पिन में कोई खास चीज़ याद नहीं करना है, अपने को ये दोनों देखना था कि अगर स्टेरॉइड में OH है तो स्टेरॉल, स्टेरॉइड में कीटोन है तो स्टेरॉन। नाम कोलेस्ट्रॉल OL आ गया OH, एस्ट्रॉन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ONE आ गया, मतलब एस्ट्रॉन स्टेरॉइड का एस्ट्रॉन पार्ट है। अपना लिपिड हो गया ख़त्म, अब शुरू करेंगे आगे जो शुरू करना होगा, लिपिड पढ़ लीजिएगा।
थैंक यू, सब्सक्राइब करते चलिए।